देखिए बच्चों, जब हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स? द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल रोल। बोलो क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल रोल। और देख लीजिए, समझ लीजिए आप इस चीज को, मतलब जैसे कहा ना ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल कहते ही भेजे में आना चाहिए फंक्शनल रोल। हाउ दिस फंक्शनल रोल इज प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द एनर्जी फ्लो? तो बाय फीडिंग। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस रूप में होता है? इन विच फॉर्म द एनर्जी फ्लोज? तो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, इन फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी, और बायोमास। एनर्जी का जो फ्लो होता है ना इकोसिस्टम में, वो किस रूप में होता है? फूड एनर्जी के रूप में, फूड के रूप में या बायोमास के रूप में, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा होता है सर। तो खाया क्या जा रहा है? खाया जा रहा है बायोमास, ठीक है, और इसलिए एनर्जी फ्लो होती है बायोमास के रूप में। तो हाउ द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और हाउ द ऑर्गेनिज्म प्लेज द फंक्शनल रोल इन एनर्जी फ्लो? बाय फीडिंग, खाकर या अपने आप को किसी को खिलाकर, या तो किसी को खा लीजिए या अपने आप को किसी दूसरे को खिला दीजिए। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल डिसाइड होता है साहब, ठीक है। और इसलिए पहली बात तो फंक्शनल रोल कोई खूंटा नहीं है जिस पर आपने जीव को बांध दिया। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा प्रकार के फूड को ले रहे होते हैं, एक एट ए टाइम भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम भी हो सकता है। और इसलिए कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके मोर देन वन फंक्शनल, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो वो कौन से हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। आइए जरा इन ट्रॉफिक लेवल्स को हम इसी से समझते हैं, एक एक करके लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं किसी इकोसिस्टम के, तो अबायोटिक कंपोनेंट तो होगा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल, न्यूट्रिएंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स भी, प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है जो है ट्रांसड्यूसर्स भी, प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है कन्वर्टर्स भी। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? निक जो होता है वो भी फंक्शनल रोल होता है, हाँ, वो कम्युनिटी के कैरेक्टर्स में आता है। निक यहाँ इकोसिस्टम में हम बात नहीं करते हैं, निक जो है ना वो बताया ना आपको, वो अलग चीज़ है, ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल अलग चीज़ है। निक तो फिर फूड से भी हो सकता है, हैबिटेट से भी हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल इज फंक्शनल रोल इन एनर्जी फ्लो, ठीक है ना, वो डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट थिंग। पहले तो इसका मतलब समझिए, इनको मिलता है कौन सा ट्रॉफिक लेवल? तो इनको मिलता है साहब ट्रॉफिक लेवल वन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भाई एनर्जी क्या है? सनलाइट। उस लाइट एनर्जी को सबसे पहले कौन ट्रैप कर रहा है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर ट्रैप कर रहे हैं उस लाइट एनर्जी को, और इसलिए इनको मिलता है ट्रॉफिक लेवल वन। रही बात प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, तो यही है जो बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं भाई साहब? तो ऑटोट्रॉप का मतलब मैंने समझाया है सबको, हमें सब पहले क्लियर कर देता हूँ मैं इन सब चीज़ों को, है ना। और किसी को ये गलत फहमी हो तो दूर कर लो, अभी भी समय है। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या? जैसे आप जो अपना फूड खुद बना सकें वो ऑटोट्रॉप, और जो दूसरों पर डिपेंड है वो हेटरोट्रॉप। तो ये गलत फहमी है, दूर कर लो। मम्मी ऑटोट्रॉप, पापा बच्चे हेटरोट्रॉप, क्यों? क्योंकि मम्मी अपना खाना खुद बना लेती है, पापा बच्चे हेटरोट्रॉप, क्यों? क्योंकि मम्मी पर डिपेंड रहते हैं। तो ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन ये है कि हु आर द ऑटोट्रॉप्स? तो द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, शाबाश। जो अपने प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस किससे करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर से, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। तो यही है ऑटोट्रॉप्स। ट्रांसड्यूसर कहते हैं ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स। कन्वर्टर्स, दे आर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक। तो इसमें कौन आते हैं, कौन है ये? तो इसमें आ जाते हैं साहब ऑल फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इट में बी ग्रासेज,
इट में भी फाइटोप्लैंकटॉन्स, इट में भी ट्रीज, ये सब। इस ऑटोट्रोप वाली श्रेणी में एक और आता है साहब, और वो है कौन? तो वो है कीमो ऑटोट्रॉप्स, जिनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोमोनास, ये सब कीमोटोट्रॉप्स में आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मैटर से ये भी प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस है ना। कीमोटोट्रॉप का मतलब क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल, कौन सा इनऑर्गेनिक, सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनऑर्गेनिक। लेकिन बच्चों इकोसिस्टम्स में आप अगर देखेंगे तो इनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। ये जो कीमोटोट्रॉप्स हैं, ये बैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, इनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता इकोसिस्टम्स में। इनको न तो कोई ट्रॉफिक लेवल प्रोवाइड किया जाता है, न ही किसी फूड चेन में जगह मिलती है, न ही किसी पिरामिड में जगह मिलती है। लेकिन इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाते ये कीमोटोट्रॉप्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं सर। तो क्यों इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को न कोई ट्रॉफिक लेवल देते हैं, न कोई जो है फूड चेन में सम्मिलित करते हैं, न कोई पिरामिड में जगह देते हैं? और ये ही बात, ये सेम बात लागू होती है किन पर? तो ये सेम बात इन डीकम्पोजर्स पर भी लागू होती है। डीकम्पोजर्स को भी कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं दिया जाता। तो मैं इनके साथ साथ डीकम्पोजर्स की बात कर रहा हूँ। या इनको रिड्यूसर्स भी कह देते हैं, या इनको जो है सेप्रो ट्रॉप्स भी कह देते हैं, या इनको ओस्मो ट्रॉप्स भी कह देते हैं। और देखिए बच्चों, इनको भी कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं प्रोवाइड किया जाता। और एनसीईआरटी में ये सवाल है, इन दोनों के बीच में आते हैं कंज्यूमर। तो क्यों डिकम्पोजर्स को, सेप्रोट्रॉप्स को, ओस्मो, पहले तो इनको डिकम्पोजर क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर डूइंग द डिकम्पोजिशन। व्हाट द डिकम्पोजिशन? तो मैंने बताया अभी आपको कि द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। रिड्यूसर्स, दे आर रिड्यूसिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसर्स। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स दे आर फीडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स। ओस्मोट्रॉप, why they are called as osmotrophs? The decomposers bacteria fungi are called as osmotrophs. So, dekhiye, they are showing the osmotrophy. What is the osmotrophy? तो ये चीज़ अपने को काम आएगी आगे, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, मैं फिर बताता हूँ आपको। ये आगे डिकम्पोजिशन का जब प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है कि ये जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं माइक्रोब्स बच्चों, ये क्या करते हैं? तो ये है, अपने एंजाइम जो है अपने शरीर के बाहर रिलीज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। और वो एंजाइम कैसे होते हैं? वो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया फंजाई, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को अपनी बॉडी के बाहर उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रिलीज कर रहे होते हैं, और जिससे वह उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं, और फिर उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी बॉडी सरफेस से बाय द ऑस्मोसिस इंजेस्ट कर लेते हैं, और इसलिए इनको कहा जाता है ऑस्मोट्रॉप। एक सुना होगा शब्द आपने, फेगोट्रोपी, ऑस्मोट्रॉपी। फेगोट्रोपी में ऐसे बोल देते हैं कि फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। जैसे हम सब फेगोट्रोप है, तो हम पहले इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और फिर पचाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इनको कहते हैं ऑस्मोट्रॉप। दे फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, पहले तो डाइजेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने एंजाइम शरीर के बाहर उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डाल रहे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसको सिंपलेस्ट मोनोमेरिक सोल्यूबल फॉर्म में बदल दिया, और फिर अपनी बॉडी सरफेस से बाय द ऑस्मोसिस इंजेस्ट कर लिया। इसलिए फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, दे आर शोइंग ऑस्मोटिक, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द इंजेस्शन ऑफ द फूड बाय द ऑस्मोसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोट्रॉप्स। ये डिकम्पोजिशन में भी काम आएगी बात आपको, ठीक है। इनको भी कोई जगह नहीं देते। तो जब मैं सवाल बच्चों से पूछता हूँ कि वाई द डिकम्पोजर डज नॉट गेट एनी ट्रॉफिक लेवल, तो सामान्यतः बच्चे क्या जवाब देते हैं? भाई साहब, इनका कोई एक ट्रॉफिक लेवल नहीं होता। तो यार ये तो बड़ा हास्यास्पद जवाब हुआ, एक ट्रॉफिक लेवल तो इंसान का भी नहीं होता, एक ट्रॉफिक लेवल तो चिड़िया का भी नहीं होता, मछली का भी नहीं होता, तो फिर उनको तो दे रहे ट्रॉफिक लेवल, तो इनको क्यों नहीं दे रहे भाई साहब? और फिर इसमें भी मूर्खता की पराकाष्ठा, पता नहीं किसने बता दिया उनको कि साहब जो है ना एक ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और फिर वो उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं साहब, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि साहब
अगर ये मरे हुए प्लांट को फीड करेंगे तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। अगर ये मरी हुई बकरी को फीड कर रहे होंगे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, क्योंकि मरी हुई बकरी तो प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर जब ये मरे हुए भेड़िए को फीड कर रहे होंगे तो टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, वो ये है कि आप ट्रॉपिक लेवल डिकम्पोजर को बाद में दे रहे हो, पहले आप दे रहे हो डेड ऑर्गेनिक मैटर को। और इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिक लेवल बताया कि भैया ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा फंक्शनल रोल। तो यार एक बार बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल प्ले करेगा तो जिंदा रहकर प्ले करेगा कि मर के प्ले करेगा, ये बताओ आप। कोई भी ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल प्ले करेगा तो वो जिंदा रह करके फंक्शनल रोल प्ले करेगा कि मर के फंक्शनल रोल प्ले करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिंदा रह करके फंक्शनल रोल प्ले करेगा। और जिंदा रह करके फंक्शनल रोल प्ले करेगा, आप क्या कह रहे हो कि साहब डिकम्पोजर ने मरे हुए प्लांट को खाया इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अरे यार भैया, तुम मरे हुए प्लांट को जो है ट्रॉपिक लेवल दे रहे हो क्योंकि वो प्रोड्यूसर है मरा हुआ प्लांट, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। हैं, मरी हुई बकरी को आप ट्रॉपिक लेवल दे रहे हो, ये क्या है कि साहब ये प्राइमरी कंज्यूमर, इसलिए डिकम्पोजर सेकेंडरी कंज्यूमर हो। ये क्या लॉजिक है यार। हैं, एक चीज समझ लीजिए भाई साहब, जो मर गया समझो भगवान के घर गया, ठीक है ना। और जो प्लांट है ना, जो सूखी पत्ती सूखी टहनी, वो प्लांट नहीं है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। इकोलॉजिकली मरा हुआ प्लांट, बकरी, भेड़, शेर, कोई भी हो, और गोबर, इकोलॉजिकली सेम है ये। और इकोलॉजिकली इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डेड राइटस अपरद, डेड ऑर्गेनिक मैटर। यार भैया इकोलॉजिकली मैंने कहा ना, ये पंखा खराब है तो ये भी कबाड़ है, ऐसी खराब है तो ये भी कबाड़ है। ये ऐसी ऐसी तब तक ही है जब तक ये चल रहा है, ये पंखा तब तक ही है जब तक ये चल रहा है। अब ये खराब हो गया ना तो फिर ये न पंखा है, ये न ऐसी है, ये कबाड़ है। तो ऐसे के ऐसे ही जब स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं है ना, तो अब वो न बकरी है, वो बकरी तब तक ही थी जब तक जिंदी थी, अब तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो गोबर में और उस मरी हुई बकरी में कोई अंतर नहीं है इकोलॉजिकली, ऑल दीज आर डेड राइटस। इस चीज को समझ लो आप सबसे पहले, ठीक है। और गोबर को ट्रॉपिक लेवल नहीं दिया जाता तो इनको ट्रॉपिक लेवल, सवाल वही है कि वाई द डिकम्पोजर डज नॉट गेट एनी ट्रॉपिक लेवल। तो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि मैंने क्या कहा, फंक्शनल रोल है ट्रॉपिक लेवल। और फंक्शनल रोल और कैसे प्ले करता है, तो फीड करके एनर्जी के फ्लो में। एनर्जी का फ्लो किस रूप में होता है, बायोमास के रूप में। तो ये जो बायोमास असिमुलेट कर रहे हैं उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, इनकी संख्या आप नहीं काउंट कर सकते, न ही इनका आप बायोमास मेजर कर सकते। और इसलिए इनको, इन डीकम्पोजर्स को न तो फूड चेन में जगह मिलती है, न पिरामिड्स में जगह मिलती है। पिरामिड्स में भी इंक्लूड नहीं करते हैं, पिरामिड आप बनाते हैं एनर्जी का, बायोमास का, कैसे करेंगे। एनर्जी तो बायोमास के रूप में चल रही है, नंबर का नंबर कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप कैसे काउंट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई द बायोमास असिमिलेटेड बाय दीज डीकम्पोजर्स इज नॉट मेजरेबल, दैट्स व्हाई दे डज नॉट गेट एनी ट्रॉफिक लेवल। समझ में आ गई बात, इसलिए इनको कोई ट्रॉफिक। और यही बात इन पर लागू होती है, कीमोटोट्रॉप्स पर। ये भी प्रोड्यूसर है भाई इकोसिस्टम के, कीमोटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लेकिन वही बात, इनको भी ट्रॉफिक क्योंकि वही माइक्रोस्कोपिक है, एनर्जी बायोमास के रूप में चलती है, माइक्रोस्कोपिक है, बायोमास आप मेजर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्लियर है ना। अब कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं। तो कंज्यूमर्स जो हैं, ये एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और एक होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये सब हर्बीवोर्स होंगे, इनको कभी कभी सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कह देते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कहना उचित नहीं है क्योंकि देखो ये कोई नया बायोमास नहीं बना रहे। लेकिन क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर हैं। और फंडामेंटल बात है कि किसी भी इकोसिस्टम में हर्बीवोर के बिना एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता था। इकोसिस्टम में अगर एनर्जी आगे चलेगी, फूड चेन में अगर एनर्जी आगे चलेगी ना, तो वो हर्बीवोर के थ्रू चलेगी, क्योंकि हर्बीवोर ने जो बायोमास असिमुलेट किया है वही फिर कार्निवोर को मिलेगा। और हर्बीवोर प्लांट को फीड कर रहा है, असलियत में बायोमास सिंथेसिस का काम प्लांट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई हर्बीवोर्स आर द मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। और इसलिए कभी कभी हर्बीवोर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल दिया जाता है।
लेकिन एक्चुअल में ये कोई नया बायोमास प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, हर्बीवोर का जो शरीर का बायोमास है ना, वो प्लांट के ही बायोमास का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि इसके बिना एनर्जी का फ्लो नहीं होता, और इसलिए इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं। तो कौन है ये? अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो ग्रासेज को फीड करने वाले ग्रास होपर हो गए, फाइटोप्लैंक्टन को फीड करने वाले जू प्लैंकटॉन्स हो गए, गोट हो गए, काउ हो गए, जितने भी हर्बीवोर हैं, रैबिट हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, डियर हैं ये सब के सब। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जो फीड कर रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर को। इनको प्राइमरी कार्निवोर भी कह देते हैं। ये पहले नंबर के कार्निवोर हैं सब, प्राइमरी कार्निवोर भी कह देते हैं, पहले नंबर के कार्निवोर हैं सब, ठीक है। ये किसको फीड कर रहे हैं? तो ये फीड कर रहे हैं साहब प्राइमरी कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जांपल, ग्रास होपर को फीड करने वाली बर्ड्स, जू प्लैंकटन को फीड करने वाली फिशेज है ना, गोट को फीड करने वाले वॉल्फ है ना, डॉग्स, ये सारे के सारे जो है ये आ जाते हैं साहब सेकेंडरी कंज्यूमर में, जो फीड करते हैं किसको? प्राइमरी कंज्यूमर को, और ये प्राइमरी कार्निवोर है। फिर आते हैं साहब टर्शियरी कंज्यूमर, इनको टॉप कंज्यूमर भी कह देते हैं साहब। तो टर्शियरी कंज्यूमर कौन है जो फीड कर रहे हैं किसको? सेकेंडरी कंज्यूमर को। इसमें एग्जांपल की बात करूं तो मैन हो गया, लाइन हो गया, ईगल हो गया, ये सारे के सारे। अरे डीकम्पोजर में बताई दिया आपको, बैक्टीरिया फंजाई है, ये है साहब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो मैंने कहा अबायोटिक कंपोनेंट लाइट टेम्परेचर वाटर, अनबायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर। तो उन्हीं को हमने यहां कहा, प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्यों कहा, कंज्यूमर को कंज्यूमर क्यों कहा? अच्छा, ये हेटरोट्रॉप है सारे के सारे, ये इनको हेटरोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? तो मैंने बताया अभी आपको हेटरोट्रॉप का मतलब क्या। तो हेटरोट्रॉप का मतलब सिंथेसाइज प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस कर रहे होते हैं सब, इसलिए इनको हेटरोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने लिया है ना, एक आइडिया लिया है बच्चों अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। लेकिन मैंने क्या कहा कि ट्रॉपिक लेवल को खूंटा नहीं, इस पर आप ऑर्गेनिज्म को बांध दोगे। आपने कह दिया मैन टर्शियरी कंज्यूमर है तो बस टर्शियरी कंज्यूमर रहेगा, तो ऐसा नहीं है भैया। फिश को आपने जो है कह दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फीड करते हैं मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल्स को। फॉर एग्जाम्पल बर्ड, आप गौर से देखिए, बर्ड का ट्रॉफिक लेवल जब वह सीड्स को फीड कर रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि उसको मिलेगा ट्रॉफिक लेवल कौन सा? ट्रॉफिक लेवल तो जब वो फीड कर रही है इंसेक्ट्स को तो वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ट्रॉफिक लेवल मिल जाएगा कौन सा? तीसरा। आप ले सकते हैं फिश को, फीड कर रही है जू प्लैंकटन्स को,
तो क्या हो गया, तो फिश हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर और इस नाते उसको मिल जाएगा ट्रॉफिक लेवल थर्ड। और जब फिश फीड कर रही है किसको, स्मॉल फिश को, तो फिर टर्शियरी कंज्यूमर और ट्रॉफिक लेवल हो गया फोर। और बताऊं मैं आपको, फ्रॉग फ्रॉग जो है ना, ये लाइफ के अलग अलग टाइम पर होता है, लाइफ के अलग अलग टाइम पर। फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, वो तो हर्बीवोर होता है और इसलिए आते वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर और उसको मिलता है ट्रॉफिक लेवल टू। और जो फ्रॉग का एडल्ट होता है ना, वो कार्निवोर होता है, इंसेक्ट्स वगैरह को फीड करता है, इसलिए होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और इसलिए उसको मिलता है ट्रॉफिक लेवल थ्री। अब आप देख लो, अच्छा ये लाइफ के अलग अलग पार्ट। और एक सवाल है एनसीईआरटी में भाई साहब, हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन कैन फीड। इसका तो सबसे बड़ा राक्षस तो ये है भाई साहब, इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या ट्रॉफिक लेवल इसको मिलेगा, ये क्या खा जाए, कब खा जाए। भाई साहब शाश्वत पांडे जी कह रहे हैं कि बेयर ग्रिल्स, सही बात है, इंसान क्या खा सकता है भाई साहब, आप जानते हैं ना, मतलब चाइना में देखो जाने क्या ही खा रहे हैं लोग, है ना। तो तीन ट्रॉफिक लेवल भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इंसान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, इंसान क्या खा जाए। इसलिए मतलब इकोलॉजिस्ट एक मत है ही नहीं इस पर कि इंसान के कितने निश्चित ट्रॉफिक लेवल, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है ये। और देखिए ऐसे लिखा है, मैं किताब पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा है ओडम साहब ने कि हमको इंसान के ट्रॉफिक लेवल निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉफिक लेवल दे रहे हैं भाई साहब, और हमारा खुद का ही समझ में नहीं आ रहा हमको, हैं भाई। इकोलॉजी किसके लिए, इकोलॉजी तो हमारे लिए है ना। आप बर्ड से पूछो, आप गाय से पूछो, भेड़ से पूछो, रे गाय तेरा क्या है ट्रॉफिक लेवल, उसको क्या मतलब है ट्रॉफिक लेवल से, हैं। किसी चिड़िया को, किसी गाय भैंस बकरी को कोई मतलब है ट्रॉफिक लेवल से। ये इकोलॉजी तो आप पढ़ रहे हो ना, आपने समझा है ना, बुद्धि आपकी विकसित थी तो आपने इस नेचर के साइंस को समझने का प्रयास कर लिया। गाय को क्या मतलब है, गाय को आप प्राइमरी प्रोड्यूसर कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्शरी कंज्यूमर कह दो तो भी गाय को क्या दिक्कत है। तुम तो गाय को हाथी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, हाथी को चींटी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथी को थोड़ी पता है कि मुझे हाथी कहते हैं। ये तो आपके हमारे लिए है ना, किताबें तो हम पढ़ रहे हैं। आलू को आलू कह दो, बैंगन कह दो, आलू को थोड़ी समझ में आ रहा है कि मुझे आलू कहते हैं, हाँ समझ रहे हो ना भाई। ये तो हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं ना, साइंस है ना, हमारे भगवान ने, ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है तो हमने हमारे वेलफेयर के लिए चीज़ों को समझना शुरू किया, आइडेंटिफाई करना शुरू किया। पहले आलू कहा, अब सोलेनम ट्यूबरोसम करने लग गए, फैमिली बना दी हमने, सोलेनेसी जीनस हो गया, सोलेनम स्पीसीज हो गया ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मतलब ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। अब आलू को क्या मतलब है यार, वहाँ अमेरिका में या अंग्रेज आलू को पोटेटो कहते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आलू को, तो हैं पोटेटो को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में बटाटा कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आलू को तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, किसी ऑर्गेनिज्म को कोई ट्रॉफिक लेवल दे लो, उस ऑर्गेनिज्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका हमारा साइंस है, आप हमको भगवान ने बुद्धि दी है तो हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हम जब दूसरों को दे रहे हैं तो खुद को नहीं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए ओडम साहब ने कहा कि इंसान को देना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग इंसान के कितने ट्रॉफिक लेवल, तो दो ट्रॉफिक लेवल, और वो दो ट्रॉफिक लेवल क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर, दोनों इसको एक, ठीक है ना। ये प्रश्न कभी आएगा नहीं नीट में, लेकिन कभी आ जाए तो हम ये बता सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मुझे बताइए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का क्या ट्रॉफिक लेवल होगा, जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, निपेंथीज, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, विनस फ्लाइट्रैप, इनका ट्रॉफिक लेवल क्या, जल्दी बताओ।
यस दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर तो ट्रॉफिक लेवल वन। और उसके अलावा अगर आपको देना पड़े तो फिर कौन सा देंगे? फिर आप देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और इन दोनों में भी एक चुनना पड़े तो आप किसको चुने? तो आप चुने प्राइमरी प्रोड्यूसर। आपको पता है ना दे आर फोटोटोट्रोप्स, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। पता है ना आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, फोटोटोट्रोप होते हैं साहब। लेकिन इकोलॉजिकली क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहे हैं तब फिर आप, बाकी दे आर फोटोटोट्रोप्स, दे आर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ऐसे ही अगर मैं कहूँ टोटल पैरासिटिक प्लांट्स, लाइक कस्कुटर एफलेसिया, तो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, रामलाल जो दही खाता है उसका ट्रॉफिक लेवल क्या? तो इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। और मैं बता दूं इकोलॉजिकली बकरी का मांस खाओ या गाय का दूध पियो, इकोलॉजिकली आप सेम ही हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। बकरी का मांस खाने वाला भी इकोलॉजिकली सेकेंडरी कंज्यूमर है और बकरी का दूध पीने वाला भी इकोलॉजिकली सेकेंडरी कंज्यूमर ही है। समझ में आ गई बात? और दूध से दही बनता है तो दही खाने वाला रामलाल भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। आगे बात समझ में रही बात? मैंने क्या कहा, ये एक आइडिया देता है। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, एंट्रोपिक लेवल्स की क्यों बात कर रहे हैं? एंट्रोपिक लेवल्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि दे रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रोल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इको सिस्टम। उनको समझ में आया कि नहीं?